करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज की आठवीं कक्षा की हिंदी विषय में सभी छात्र छात्राएं को अभिनंदन और बधाई तथा माँ से दुआ। पिछले कक्षा में हम हिंदी साहित्य में पद्य जो फूल की अभिलाषा पढ़ चुके हैं और आज हम फूल की अभिलाषा जो माखनलाल चतुर्वेदी का था और आज हम एक गद्य शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी छात्र छात्राएं ध्यान से देखो, थोड़ा मैं पढ़ाई करने के साथ साथ आगे जाऊंगा, उसके साथ इनको समझाऊंगा और आगे पाठ को आगे बढ़ाऊंगा। तो गद्य साहित्य, पद्य साहित्य की तरह गद्य भी एक हिंदी साहित्य की एक विधा। इस विधाओं में हिंदी साहित्य के इस वर्ग में बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वही है एक पाठ या शीर्षक का नाम है, विषय का नाम हिंदी और शीर्षक है कुएं के मेंढक। कुएं के मेंढक, कुएं के मेंढक जो संकलित है, तो सब मैं थोड़ा पढ़ाई करता हूँ। तुम सब प्यारे छात्र छात्राएं ध्यान से किताब को थोड़ा देखो। अनुपम भुवनेश्वर में रहता है। एक दिन उसकी नानी उनके घर आई। अनुपम बहुत खुश हुआ, उसने नानी के पांव छुए। नानी भी बहुत खुश हुई। रात को नानी ने एक अच्छी कहानी सुनाई। बोली, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कुआं है, उसमें 4-6 मेंढक रहते थे। दिन रात उछलते कूदते और टर टर करते थे। वे मानो कुएं के मालिक बने हुए थे। वे उद्यमी और शरारती हो गए थे। एक बार भारी वर्षा हुई, कुएं में पानी भर गया और बाहर आने लगा। पानी की उस बाढ़ में मेंढक बाहर निकल आए। ध्यान दो, उच्चारण तथा बर्तनी की ओर से मैंने यहाँ ध्यान देना जरूरी है। बाहर की खुली दुनिया उनके सामने थी। वे खुशी से फूल उठे, इधर उधर उछलने लगे। उसमें जो सबसे ज़्यादा शरारती था, किसी का सुनता न था, वह सड़क पर फुदक रहा था। अचानक एक गाड़ी आ गई, वह एंट कर उछलने लगा और पहिए के नीचे जा गिरा, बच गया। दूसरा अपने को बड़ा बजरंगबली मानता था,
लंबा कुत्ता था। इतने में एक सांप मुंह बाएं आ पहुंचा, मेंढक छिपकर बच गया। तीसरा भी बड़ा घमंडी था, छाती फुलाकर कहता, मेरी बराबरी करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। तभी उधर से एक साइकिल सर से निकल गई, मेंढक की पिछली टांग टूट गई। पास की एक ढुआ पर एक मेंढकी अपने बच्चों के साथ यह सब देख रही थी। उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, खबरदार, बाहर निकलो तो अपने को बचाना सीखो, संभल कर चलो, आफत से बचो। यह सुनकर अनुपम दुखी हुआ लेकिन डरा नहीं। उसने नानी से पूछा, नानी जी, हम घर से बाहर निकलें तो क्या करें? नानी ने समझाया, देखो बेटे, पहली बात है कि अपने को काबू में रखना, इसका मतलब है कि अपने को बड़ा न मानना, यह विनय का भाव है, गुस्सा न करना, घमंड न करना, ऐसा बर्ताव सबको अच्छा लगता है। तो विनयी होंगे तो दूसरे तुमसे प्यार करेंगे। दूसरी बात, कीड़े मकोड़े और जानवर अपने को बचाते हैं, लेकिन आदमी के बच्चे दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। घर में माता पिता की बात मानना, भाई बहनों के साथ रहना, स्कूल में मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करना, उनको सिखाना चाहिए। घर हो या बाहर, तुम्हारा व्यवहार दूसरों को बुरा न लगे, किसी को असुविधा न हो, किसी का दिल न दुखे, इस ओर सावधान होना, सावधान रहना, सॉरी, दूसरों से झगड़ना, नाराज होना, गाली गलौज करना, चिल्लाना, जीत करके अकड़ना, बिना पूछे दूसरों को चीज छूना, दूसरों के काम में दखल देना, जैसे आचरण अशिष्ट माना जाता है। इसका मतलब है अपनी बुरी आदतों को रोकना, अपने मन और भावों को काबू में रखना जरूरी है, यह भद्र व्यवहार कहलाता है। अनुपम बोला, इसीलिए हमें स्कूल में कई बातें सिखाते हैं, जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना, सहपाठियों से सौहार्द भाव रखना, छोटों को स्नेह करना, अपनी बारी का इंतजार करना, अनुशासन मानकर लाइन बनाकर चलना चाहिए, स्कूल के नियम ट्रैफिक के कानून नहीं तोड़ना चाहिए, है ना? नानी बोली, हाँ बेटा, तुम तो होशियार हो, जान लो अपने अच्छे बर्ताव से लोग दोस्त बनेंगे, बुरे आचरण से दुश्मन बन जाएंगे, यह तुम्हारा काम है। जानवर से आदमी अच्छा है क्योंकि उसका आचरण सभ्य होता है, सारा विश्व उसका मित्र हो सकता है। ये था कुएं के मेंढक पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं और उनको आगे बढ़ेंगे। क्या है कि आदमी कुएं के मेंढक, ये जो शीर्षक है, इसी के माध्यम से ये जो कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, इसी के माध्यम से बच्चों के लिए अर्थात हर आदमी के लिए भी छोटे छोटे चीज में बहुत बड़े चीज सीखने को ही मिलता ही है। तो इस पाठ का सार क्या है, इनमें जो सीखने का चीज है, आदमी घर से बाहर निकलते ही उसे दूसरों के साथ मिलना जुलना पड़ता ही है। आदमी संसार में अकेला ही जी सकता है क्या? कभी नहीं। वह दूसरों के साथ मेलजुल, साथी बनकर, पड़ोसन के साथ, अपनी पड़ोसी घर पड़ोसन के साथ
अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे मिलना जुलना ही पड़ता है। दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर अपना समय, अपना जो कर्म कर्म क्षेत्र में अपने आप को शामिल करता ही है, अर्थात उसको दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। यह और भी आवश्यक है कि सबको समान मौका मिले और समाज में शांति रहे। हर मनुष्य के लिए सब मनुष्य शांति में रहना चाहते हैं, एक दूसरे से भाव, एक दूसरे से जो भाव है उसी को अच्छा भाव से रखना चाहते हैं संपर्क। ऐसे में सभी का आचरण अच्छा होना चाहिए, कहीं एक दूसरे से आचरण अच्छा ना हो तो अपनी संपर्क, अपनी जो भाव है दूरी हो जाएगा, क्योंकि इसी में इस भाव को प्रकट करने के लिए मनुष्यों के अंदर क्या होना चाहिए, भद्रता, जो शिष्टता, नम्रता ये आदि, ये एक दूसरे से जो बर्ताव करते हैं शिष्टता, और ये फिर किसके लिए, सभ्यता के लिए। सभ्यता क्या है, मनुष्य जीवन की जीने की ढंग सिखाता ही है, और ये यही नम्रता, ये शिष्टता, ये शिष्टाचार, ये सब मानविकता का गुण है, और इसी मानविकता के गुण के साथ ही मनुष्य अपने आप को समाज में एक अच्छा मानव, मानव तो सब मानव हैं, फिर भी इसी नम्रता गुण के सहारे, अच्छे बर्ताव के सहारे, अच्छे व्यवहार के सहारे मनुष्य अपने आप को एक समाज में एक अच्छा मानव बना सकता है। तो बच्चे आइए हम देखते हैं आज किसी तरह हम अच्छे बनेंगे। अच्छा, हमारे अंदर जो अवगुण है, बुराइयां है, ये बुरे गुण को कैसे भगाएंगे, और इसी गुण को भगाने के साथ साथ, अवगुण को भगाने के साथ साथ अच्छे गुण को, अच्छे व्यवहार को कैसे अपनाएंगे, इस पाठ के माध्यम से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुएं के मेंढक, कुएं के मेंढक, यहां ध्यान दो, कुएं, कुआं, जैसे एक जहां हम पानी लाकर पीते हैं या पानी बड़ा कुआं होने से उसे बांध या तालाब बोला जाता है बड़ा वाला, परंतु ये कुआं है छोटा जहां से पानी डुबोकर बाल्टी के माध्यम से हम ऊपर लाते हैं। तो कुएं के मेंढक, कुएं की के, ये छठी या षष्ठी व्यक्ति के चिन्ह है, जो का के की, और भी है रा रे री, और भी है ना ने नी, तो जो कुछ भी हो यहाँ के, कुएं के मेंढक, जो छठी मेंढक, फिर आगे हम कारक के बारे में भी पढ़ेंगे, परंतु ये जान लो कुएं के मेंढक किस लिए, ये छठी व्यक्ति उड़िया में कुआं रो बेंगो, जैसे कुएं को क्या बोलते हैं कुआं, ये के मेंढक, मेंढक 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 अर्थात बिंगो, कुएं के मेंढक
अनुपम भुवनेश्वर में रहता है। एक दिन उसकी नानी उनके घर आई। अनुपम बहुत खुश हुआ, उसने नानी के पांव छुए, नानी भी बहुत खुश हुई। रात को नानी ने एक अच्छी कहानी सुनाई, बोली, देखते हैं अनुपम भुवनेश्वर में रहता है। अनुपम रहता है इसीलिए हमें यह पता चला अनुपम पुलिंग में है। अनुपम रहता है, जैसे राम खाता है और सीता खाती है तो खाता है पुल्लिंग में है, रहता है भी ये पुल्लिंग में है। तो अनुपम भुवनेश्वर में रहता है। अनुपम कहाँ रहता है? भुवनेश्वर उनका जगह, उनका गांव, अर्थात जिस जगह में वह रहता है वह भुवनेश्वर है। कौन? अनुपम। अनुपम भुवनेश्वर में रहता है। एक दिन उसकी नानी उसका उसके उसकी मैंने बोला था का के की उसका उसके उसकी उसकी ये स्त्रीलिंग जो है स्त्रीलिंग देखो यहाँ क्या है, एक वचन में है। एक दिन उसकी नानी उनके घर आई। थोड़ा ध्यान देने की चीज़ है यहाँ, ये थोड़ा समझ लेना। उसकी स्त्रीलिंग में है फिर भी नानी उसकी नानी नानी स्त्रीलिंग है, नाना नानी, तो ये स्त्रीलिंग होते हुए भी स्त्रीलिंग एक वचन है। फिर भी क्या है, एक दिन उसकी नानी, उसका नहीं हुआ, उसकी इसीलिए हुआ ये स्त्रीलिंग में है, नहीं तो उसका हो जाता। तो एक दिन उसकी नानी, नानी स्त्रीलिंग है, और उनके घर अर्थात अनुपम के घर आई। ध्यान दो, आई तो एक वचन स्त्रीलिंग में है, एक वचन स्त्रीलिंग में है, परंतु यहाँ क्या है, देखो एक बिंदी लगी हुई है यहाँ, आई। ये इसे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग बहुवचन, और ये जो स्त्रीलिंग बहुवचन है फिर नानी एक वचन है स्त्रीलिंग, और क्रिया में ई हुआ, इसलिए कि जैसे हम किसी को सम्मान के अर्थ में पुकारते हैं, अकेले होने पर भी आइए, आई थी बोला जाता है। जैसे कि एक वचन होते हुए भी हम क्या बोलते हैं, पिताजी आए थे, राम आया था। देखो इस दोनों में क्या है, थे और था। पिताजी एक वचन में है, राम भी एक वचन में है, ये पुल्लिंग में है, ये भी पुल्लिंग है, परंतु आए थे इसलिए हुआ कि पिताजी एक सामान्य अर्थ में है। महात्मा गांधी आए थे, एक है महात्मा गांधी, एक ही व्यक्ति है, फिर भी आया था नहीं, वो क्या होता है, आए थे। और यहाँ क्या है, राम आया था, ये आमतौर पर इसे व्यवहार किया गया है, और इसीलिए इन्हें आया था। जब हम इसको और भी थोड़ा दोहराएंगे, प्रभु श्री राम या श्री राम
आए अयोध्या लौटे थे कि अयोध्या आए थे। ये अकेले होने पर भी क्या ये सम्मान के अर्थ में हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना इसको। एक दिन उसकी नानी उनके घर आई असीले उनके घर आई। अनुपम बहुत खुश हुआ। नानी आने से तो ये आमतौर पर सभी के लिए है। नानी आने के बाद अनुपम बहुत खुश हुआ। कोई दूसरे गांव से मेहमान आने के बाद ये खास बात है कि खुश होएंगे, माने बच्चे खुश होते ही हैं। तो उसी तरह जब नानी आई अनुपम का खुश होना भी जरूरी है। तो अनुपम बहुत खुश हुआ, अर्थात बहुत खुश हुआ नानी के आने के बाद। उसने किसने ये ध्यान से देखना, उसने नानी के पांव छुए। पांव उसने, देखो उसने उस ने कर्ताकारक का चिन्ह है जो आमतौर पर भूतकाल में प्रयोगी होता ही है। कर्ताकारक में भूतकाल में ही प्रयोगी होता है, जिसे भूतकाल उसने नानी के पांव छुए। नानी के पांव अर्थात ये जो पांव है पादो, नानी के पांव छुए किसने छुए, अनुपम ने नानी के पांव छुए। वही बात फिर का के की नानी के पांव छुए। नानी भी बहुत खुश हुई। नानी भी बहुत खुश हुई। यहाँ फिर ध्यान देने की बात है, नानी भी अनुपम की नानी भी बहुत खुशी से अनुपम की नानी भी बहुत खुश हुई। देखो पहली बात हुई था आई हुई तो उसने नानी के पांव छुए और नानी भी बहुत खुश हुई, हेल्ले बहुत खुश हो गई। अर्थात स्त्रीलिंग बहुवचन, नानी भी बहुत खुश हुई। रात को, और यहाँ देखो एक बात की ध्यान देने की योग्य है कि वह ये जो है हम तुम ये सब जो क्या है ये सर्वनाम, अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि उसने जो है ने कर्ता कारक का चिन्ह, अर्थात कोई भी कारक के चिन्ह सर्वनाम के साथ आने के बाद उसने, ये सर्वनाम के साथ आने के बाद क्या होता है एक ही शिरोरेखा में उसने, ये जानने की चीज़ है। पाठ के साथ साथ हम कोई व्याकरणिक तत्व को भी जानना जरूरी है। तो उसने अर्थात एक शादी एक ही शिरोरेखा में उसने, और जब इसको हम ऐसे लिखेंगे उसने ये गलत हो जाएगा। तो
तो ये सर्वनाम के साथ, और संज्ञा के साथ क्या होता है, राम ने अलग राम को, कोई भी चिन्ह ने को से मैं पर कोई भी चिन्ह आने के बाद क्या होता है, ये संज्ञा के साथ नहीं लगता और सर्वनाम के साथ लगता है ये कारक चिन्ह, ये जानना जरूरी है। तो रात को देखो, नानी ने रात को नानी ने एक अच्छी कहानी सुनाई, कहानी अच्छी कहानी, अच्छा नहीं अच्छी, जिसे अच्छा मैं उदाहरण के तौर पर थोड़ा लेता हूँ, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ये स्त्रीलिंग में है ये पुल्लिंग में है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। परंतु यहाँ क्या है कि रात को नानी ने एक अच्छी कहानी सुनाई, कहानी सुनाई अर्थात कहानी शब्द स्त्रीलिंग में है, तो इसीलिए अच्छी कहानी, अच्छी कहानी, नहीं तो क्या होता है, ये जब पुल्लिंग होता तो अच्छा हो जाता, परंतु ये कहानी स्त्रीलिंग है इसीलिए अच्छी कहानी। और जब नानी भी है, यहाँ क्या है, रात को नानी ने किसने सुनाई, नानी ने सुनाई, तो नानी एक अच्छी कहानी, नानी एक अच्छी कहानी सुनाई, सुनाई नानी सुनाई स्त्रीलिंग है इसीलिए, नहीं तो सुनाया होता तो सुनाई। तो रात को नानी ने, देखो संज्ञा के साथ ने, नानी और ने अलग अलग है, एक अच्छी अच्छा अच्छी कहानी सुनाई। कहानी एक वचन में है, बहुवचन में क्या होगा, कहानियाँ। क्या होता है इसमें, देखो थोड़ा जानकारी ले लो, कहानी ये दीर्घकरण स्त्रीलिंग शब्द है, ये बहुवचन होने के बाद ये कहानी ये बड़े ही की मात्रा छोटे ही हो जाता है और याँ जोड़ा जाता है, सॉरी कहानियाँ हो जाता है। जैसे लड़की शब्द लड़की भी उसी तरह लड़कियाँ, ये बड़े की मात्रा छोटी हो जाएगा और याँ जोड़ा जाएगा, लड़की लड़कियाँ एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। और एक अच्छी कहानी सुनाई और बोली, और जो कहानी नानी बोली या बोलेगी बोलेंगी वही कहानी को हम आगे फिर दोहराएंगे। आज के पाठ में जो पढ़ाई किए उसके बारे में हम थोड़ा तुम्हें गृह कार्य जो असाइनमेंट दूंगा, और इसी के अनुसार तुम मुझे भेजना। घर से अच्छी तरह से पढ़ाई करना,
अनुपम कहाँ रहता है? किसने नानी के, किसने नानी के पांव छुए? रात को नानी ने क्या सुनाई? और भी नंबर चार वचन बदलो। कहानी लड़की। तो ठीक है, पहला सवाल, अनुपम कहाँ रहता है? किसने नानी के पांव छुए? रात को नानी ने क्या सुनाई? उसके बाद चार नंबर में वचन बदलो जो है, कहानी और लड़की। तो फिर अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे, इसको लिखकर मेरे व्हाट्सएप के नंबर में तुम सब छात्र छात्राएं भेजना। धन्यवाद, आज की पढ़ाई इतना ही है। वंदे मातरम, फिर आगे बढ़ेंगे।